जिथे बाबा पैर धरे पूजायासन आपन सोआ जिथे बाबा पैर धरे मुख कल विच प्रगट होआ जिथे बाबा पैर धरे पूजायासन थापन सोआ जिथे बाबा पैर धरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आप जी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा श्री ग्यारह साहिब पातशाही पहली, ओ पावन पवित्र स्थान जिते साहिब श्री गुरु नानक साहब जी ने मुबारक चरण पाए। गुरु नानक देव जी दी मझां ने जद एक जिमीदार दे हरे भरे खेतों नूं खत्म कर दिता ते गुरु साहिबान ने दी शिकायत जद उस जिमीदार द्वारा की गई तो जो राय बुलार के बंदे ने आके जब इस स्थान नू देखिया तो खेत उसी तरह हरे भरे सन जिस तरह गुरु साहब जी ने बचन किए। जब ये सब कोतक जिमीदार ने देखिया तो गुरु साहब जी का आशक हो गया। 1947 की वंड तो बाद इस स्थान पर प्रकाश तो नहीं हुंदा, पर जो भारत या बाकी मुल्कों तो संगत आती है तो इस स्थान नू संगत वास्ते खोलिया जाता है। इस स्थान ते पहले एक छोटा जा खूह हुंदा सी, सरोवर हुंदा सी जो कि वंड दी मार कारण बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप जी देख सकते हो बहुत सोहनी परिक्रमा बनी हुई है, आस पास जिन्ने रुख हैं सारे ही हरे भरे हैं। शहर के विचों विच ये पावन पवित्र स्थान जिते साहिब श्री गुरु नानक साहब जी के चरण पे अते हरिया भरिया हो गया। संगत जी इत्थे अज प्रकाश तो नहीं हुंदा, पर आप जी नूं असीं उस इतिहासिक स्थान दे दर्शन कराने आ। पाकिस्तान वाकफ बोर्ड दे अधीन ये गुरुद्वारा साहिब प्रबंध वाकफ बोर्ड दे अधीन है। आओ आप जी नूं गुरु साहिब दे उस इतिहासिक स्थान दे दर्शन कराइए। आस पास रिहायशी मकान होने के बावजूद भी इत्थे सफाई का काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया है, पर कुछ जगह पर जिमें कि कबाड़ नू साड़िया कूड़े नू साड़िया जाता है। उस सरोवर के अंदर काफ़ी सारे निशान हैं जिस तो पता लगता है कि इत्थे सफाई नहीं होंदी ते समय समय अनुसार जो झाड़ियां नू जां जो आस पास तो थोड़ा गंद उड़ के आता है उसनों साढ़े संगत के आने तो पहले पहले उसनों सफाई करके सारा कुछ ठीक किया गया। आओ संगत जी, आप जी नूं गुरुद्वारा ग्यारह साहिब जी के अंदरूनी भाग के दर्शन कराने हाँ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप जी दर्शन कर सकते हो गुरुद्वारा साहिब जी दे। मेन सत्संग जिथे दे बारे कुछ लिखा गया है, इक्यों का सतगुरु प्रसाद। पाकिस्तान के कानून के अनुसार पाकिस्तान विच रहन वाले घट गिणती के लोगों को पूरी धार्मिक आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पाकिस्तानी नानक नाम लेवा संगत की पूर्ण मंग नूं पूरा करते हुए मानयोग मुहम्मद सदीक उल फारूक जी चेयरमैन एवोक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPP पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारा श्री कियारा साहब जिला ननकाणा साहब का उद्घाटन अज मिति 13 नवंबर 2016 दिन एतवार 31 संमत नानक शाही 548 अपने कर कमला अनुसार किया। संगत जी कहने का मतलब कि सन 2016 13 नवंबर नूं ये गुरद्वारा साहब संगतां दे वास्ते खोलिया गया। आओ आप जी नूं गुरद्वारा साहब जी का अंदरूनी दर्शन दीदार कराने हाँ। आप जी दर्शन कर सकते हो। पुरातन स्थान उसी तरह गुंबद है। छोटे जे कमरे के चारों पासे दरवाजे हैं। पुरातन बारियां छोटे छोटे समान रखने के स्थान पक्ष बोर्ड वालों पीड़ा साहब रख के संगत मत्था टेकन वास्ते एक अपने तौर के उत्ते एक रस्मी जी कार्रवाई की गई है कि अगर कोई मत्था टेकना चाहता है तो इस स्थान पर मत्था टेक सकता है। इस स्थान के उत्ते प्रकाश नहीं होंदा। संगत जी आप जी नूं एक बार द्वारा बाहर जाते हुए इत्थे दे पुरातन कलाकारी दे कीते हुए दरवाजे दिखाने हाँ। आप जी देख सकते हो पुरानी कलाकारी का एक नमूना लकड़ का दरवाजा जो काफी मजबूत है। गुरुद्वारा साहब जी के सामने दो कमरे बनाए गए हैं जिन्हां विच एक विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है। वाकफ बोर्ड का एक अधिकारी ड्यूटी ते मौजूद है। काफी बड़ा एक कमरा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है इस स्थान पे। नाल एक छोटा जा सचखंड भी बनाया गया है। आप जी दर्शन कर सकते हो। भाई साहब जी ड्यूटी से मौजूद हैं। सिक्योरिटी के तौर के उत्ते कैमरे भी लगाए गए हैं। बहुत ही सोहना एक कमरा बनाया गया है संगत वास्ते।
आओ भाई साहब जी, तो 2 मिनट वास्ते थोड़ी जी जानकारी लेने। वीर जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। इस स्थान पे रोजाना प्रकाश हुंदा है? हाँ जी हाँ जी, हर रोज नित्यनेम रोजाना टाइम। इस इलाके च बड़ी संगत रहती है। हाँ जी, ए भाई दे नाल गल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु ने प्यारे साध संगत जी, आप जी दे नाम की जी? तबीब। आप जी इत्थे दे इंचार्ज हो जी? केयरटेकर। केयरटेकर वीर जी, सानू दसोंगे कि ए, मैं जितना कि बाहर पढ़ के आया कि सन 2013 दे विच एक संगत वास्ते खुले तो। हाँ जी, प्रकाश होया। प्रकाश हुंदा सी, लेकिन ओह साडे कोल 2-3 दिन वास्ते प्रकाश कीता जांदा सी जी। हुणे रोजाना बिला नगा हुंदा है जी। 2013 तो महाराज दा प्रकाश हुण रूटीन ना हुंदा है। बिलकुल संगत जी, सानू जिवें कि दास साहब जी नूं दस रिहा सीगा कि पहले इत्थे प्रकाश नहीं हुंदा सन, देश दी वंड तों बाद इत्थे गुरुद्वारा साहिब नूं बंद कर दिता गया सी प्रबंधकां वल्लों। हुण सानूं सही तरीके नाल जाणू कराया गया कि सन 2013 तों बाद इहनूं इस स्थान संगतां वास्ते खोल दिता गया ते रोजाना इस ते प्रकाश हुंदा है। ते वीर जी, बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। आओ संगत जी, एक वार दुआरा दर्शन कराउंदे होए असीं अगे वधदे हां अपने अगले मुकाम वल। हर गुरुद्वारे नूं एक केयरटेकर दिता गया है कि जिहड़ा कि गुरुद्वारे का प्रबंध करे, और ग्रंथी सिंह दे तौर दे उत्ते एक अद्धे सेवादार दी ड्यूटी मौजूद हुंदी है। गुरुद्वारा साहिब नूं संगत वास्ते बहुत सोहना सजाया गया है। गुरुद्वारा साहिब दे चारों तरफ गमले लगा के फुल्लां वाले संगतां वास्ते सजाए गए हैं। इत्थे संगत जी सानू आगे दो, मिलते हैं अगले मुकाम ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे बाबा पैर धरे पूजाया सन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे मुख कल विच प्रगट हो, जिथे बाबा पैर धरे। पूजाया सन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे।